यट अगेन एक बहुत ही खूबसूरत बछेरा हमारे साथ में है। छोटा है अभी, ये मिल्क टीथ होगा, लेकिन अभी से ये अपने रंग ढंग दिखा रहा है। बात करेंगे इसके प्राउड ओनर के साथ में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, आगे? आगे संदीप सिंह वांदर। वांदर, हाँ जी। कहाँ से बता रहे सर आप? यहाँ हनुमानगढ़ जिला डब्ल्यू रेठान गाँव है। वापस बताइए, कहाँ से बता रहे? हनुमानगढ़ जिला ही है। हाँ। लोकली है वैसे, डब्ल्यू रेठान गाँव है ना बेटे। क्या बात है, क्या बात है। इस बच्चे के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। ये बच्चा प्रभात का ही, प्रभात गुड़ा। प्रभात का डायरेक्ट है? हाँ डायरेक्ट है। अच्छा, ओके। हाँ, कहाँ ब्रीड हुआ ये? ये अपने पास होम ब्रीड ही है। मतलब आपने घोड़ी कहाँ क्रॉस करवाई थी? वेबल। वेबल हाँ स्टड फार्म पे। ओके। हाँ जी। और कितने महीने का है ये? ये अभी 7.5 महीने का। तो ये प्रभात का डीएनए अप्रूव्ड डीएनए डीएनए करवाया डीएनए तो आपने? अभी तक करवाया नहीं ना, अभी बच्चा ही है फिर, अभी अभी बच्चा। करवाएंगे कितने हम। महीने का हुआ ये? ये अभी 7.5 महीने का। 7.5 महीने का है। हाँ और ये मतलब पूरे रंग ढंग अपने पूरे शबाब पे पहली बार आया मेले में? हाँ पहली बार। ओके। तो गाइज ये फर्क पड़ता है लाइनेज का, पेडिग्री का, कि ये अभी 7.5 महीने का कोल्ट है, लेकिन अभी से इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एग्रेशन है, जो इसमें एटीट्यूड है, वो किसी स्टैलियन से कम है नहीं। तो इसको अभी अपन तो तैयारी करेंगे स्टैलियन के नहीं, लिए, तैयारी ठीक करेंगे जी इसको। है? हाँ इसके तीन पैर चिट्टे हैं, एक ब्लैक है, और मुंह पे इसके ये दिखा नहीं रहा है मुंह, कहते के राक्षस उतर चढ़ा था जी का। ये मुंह पे इसके एक छोटा सा टीका है और ये एक स्निप है। तो ये मतलब ऐसा ओवर एग्रेसिव घर पे भी करता है या आप मेला देख के कर रहा है? नहीं, मान लो घर पे भी ऐसे ही करते घर पे शरारती। भी ऐसे रहता शरारती। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये अपना मतलब रिंग शो में लगाने वाले हम लोग, हाँ, इसको सोच रहे हैं लगा दें तो। सोच रहे, सोच कह रहे हो इसको तो लगाना ही चाहिए, ठीक नहीं तो है? मैंने सोचा अगली बार देख लेंगे, लगा देंगे। हाँ लेकिन इस बार अगली साल के लिए भी टाइम है, लेकिन इस हाँ बार भी लगा के ट्राई करो, एक्सपीरियंस भी होगा, इसको भी समझ में आएगा, हाँ आपको भी समझ में आएगा कि मतलब क्या चीज। तो हाँ गाइस छोटा बच्चा है और दूसरे घोड़े घोड़ियों को देख कर थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, लेकिन अच्छा पेडिग्री का एक अच्छा बच्चा है, और अगर इसको तैयार करोगे तो अच्छा तैयार होगा। हाँ जी। प्रभात कितनी हाइट का है? प्रभात की होगी 66+ की हाइट। 66+ की हाइट होगी। हाँ जी। इसके अलावा आप क्या क्या लेके आए हो मेले में? मेले में मैं दो अबला घोड़ी लेके आया हूँ, दो जिसके एक माँ दो, और एक घोड़ी और है। एक इसकी माँ भी इसके हमारे साथ ही है। हाँ जी। चलिए आइए इसकी माँ से मिलते हैं। हाँ जी। नहीं जानना वैसे दे। घोड़ा आ रहा, थोड़ा सा इधर कर लो पाजी का घोड़ा, थोड़ा घोड़ी और घोड़ा। तो गाइस मेले में यही होता है, जब घोड़ा नर घोड़ा राइड पे हो और पास में घोड़ी हो। तो नमस्कार जी एक बार फिर से। तो नमस्कार। ये उस अड़ियल बच्चे की माँ, माँ। हाँ जी। उसका क्या नाम बताया आपने? उसका पाब्लो। पाब्लो। हाँ, नाम पूछा नहीं हमने उसका। हाँ जी। पाब्लो एस्कोबार की तरह ही कर रहा था वो, लेकिन हाँ जी। हाँ हाँ जी। पाब्लो पाब्लो की तरह गांजा तो नहीं मार रहा नहीं वो नहीं हाँ है? नहीं। ये उसकी माँ है, हाँ जी। इसके बारे में कुछ बताइए। ये मान लो अलीशान मकीना है ना, पंजाब जो घोड़ा था, अभी तो पूरा हो गया वो, उसकी बच्ची है ये, आलिशान पंजाब। पंजाब, हाँ जी। उसकी उसकी बेटी है, हाँ उसकी बेटी है। डायरेक्ट बेटी है उसकी। हाँ, और क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुंदरा। सुंदरा। हाँ ये भी बहुत ही सुंदर बछेरी है, बच्ची है। कितने साल की हो गई है? नहीं, घोड़ी बन गई ये तो अभी ये तो तो। पूरी घोड़ी है। हाँ हाँ, कितने साल की हो गई है? ये होगी 8 साल की। 8 साल की। गाइस इसके भी कान आप चेक कीजिए, मेरे को ये पर्सनली ये जो कान है, ये तलवार कट एकदम टिप टू टिप, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद घोड़ों में, ये वाले कान के। जो बाकी कनौती वाले कान भी होते हैं, लेकिन ये जो कान होते हैं ये मारवाड़ी में बहुत सुंदर लगते हैं, जब घोड़ी दोनों कान अपने मैच करती है। और इस घोड़ी के भी एक तिलक है और तीन पांव सफेद है, तो बच्चे के भी सेम ही आया हाँ जी। लगभग, है ना? जो कल, मार्किंग तो माँ की आई है हाँ और पिछली बार कलर बाप का आ बची। गया, हाँ कलर बाप का। कलर बाप का आ गया। हाँ क्या जी। हाइट की घोड़ी है ये? ये मान लो 60+ है, 7.5 से ऊपर। 60+ है। हाँ जी। और कितने ठाण ले लिया आपने इसे? ये अभी 3 दे दिए, अभी चौथा पेट में अभी अभी किससे? अभी ये बठिंडा में अलबख्श अलबख्श। जो शहरी भाई वाला। हाँ, हाँ ओके, उससे। हाँ ठीक है। एक बार जी। मैं इस घोड़ी को पूरा आपके लिए राउंड अप में दिखा देता हूँ कि कैसी ये घोड़ी दिखाई दे रही है। तो अपने पास में बाजी सेल परचेस के लिए भी है एनिमल? हाँ है, 2-3 सेल के लिए मान लो। अच्छा,
ये घोड़ी तो सेल के लिए नहीं, नहीं ये नहीं, ये तो अपने लिए ब्रूड मेयर का काम करेगी। हाँ जी ठीक है। और अपने पास जो सेल परचेस के लिए जो बच्चे हैं वो दिखाई। हाँ भैया ये अब बताइए आपके सेल परचेस के लिए कौन कौन से एनिमल्स हैं? एक तो ये बच्ची है ये भी। हाँ ये वाली बच्ची, ये काली बच्ची है। हाँ जी ये नागौर वाले विकास घोड़े की। ओके हाँ जी नागौर वाला विकास घोड़ा जो अपना पुष्कर चैंपियन 2015 में चैंपियन था उसकी। अच्छा उसके काफी बच्चे मार्केट में है। हाँ जी इस घोड़ी के भी तीन पांव सफेद है, बड़े बड़े सॉक्स, और एक पांव काला है, और पूरा ब्लेस है, वाइट ब्लेस, कान भी अच्छे हैं इस घोड़ी के। कितनी हाइट की घोड़ी है ये? ये भी मान लो 61 के करीब है जी। 61 के करीब की घोड़ी है। और क्या कितने साल की हो गई है ये? अभी मान लो 4 साल की हुई है अभी। हाँ अभी तो दिया नहीं, नहीं, नहीं अभी क्रॉस करवाई है, 4 तारीख को घोड़ा छोड़ा है। अच्छा अभी जस्ट करवाई है। हाँ। कौन सा घोड़ा छोड़ा है? ये काले कांटे का बच्चा आदिल। अच्छा बरकंदी में। ओके हाँ जी उससे तो उस क्या हिट है उस घोड़े की? उसकी 64 हाइट है प्लस 64 हाइट का घोड़ा है, और घोड़ी भी अच्छी है। तो ये सेल क्यों करना चाह रहे हो फिर आप? वैसे ही मान लो अपने जो अगर कोई आ गया तो मतलब अच्छी कीमत मिलेगी तो दे देंगे। आस्किंग प्राइस क्या बोल रहे हो आप? 6 लाख। 6 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है लेकिन। हाँ मतलब उसमें हो जाएगा थोड़ा माड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है मतलब एक तरीके से मतलब थोड़ा बहुत एक लिहाज हो जाएगा। हाँ मान मनवार। हाँ हाँ जी ठीक है। दूसरी घोड़ी दिखाई वो आगे जी। ये पहले काली घोड़ी ये, इसके बारे में बताओ। ये भी अपने दोस्त को दी हुई है, बच्ची है मेरे पास से गई हुई है ये। अपन ने दे रखी है ऑलरेडी पर सेल के लिए नहीं अभी। हाँ अभी सेल के लिए नहीं। तो ये भी एक घोड़ी है, इसके दो आगे के पैर काले और पीछे के का एक पैर वाइट है। माथे पे थोड़ा टीका, माथे पे इसके टीका है, कान भी इसके बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी बच्ची है ये भी। ठीक है तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ घोड़िया। ये घोड़ी जो अभी बताई काले कांटे के बच्चे से कवर है, ये घोड़ी नॉट फॉर सेल है। उसके बाद में इनके पास बहुत ही सुंदर दो अबलक बच्चियां हैं, बिकॉज अबलक बच्चियां मुझे इस पूरे मेले में बहुत ही कम दिखी है, और स्पेशली ये घोड़ी अलग से ही स्टैंड आउट कर रही है। इस घोड़ी का जो बनावट है, इस घोड़ी की जो कद काठी है, हाइट उसकी होगी अराउंड 60 के आसपास, लेकिन इसकी नेक का प्रोफाइल बहुत ही सुंदर प्रोफाइल है। हाँ बताइए भैया। हाँ जी इस घोड़ी के बारे में बताइए। ये घोड़ी अपने हंसराज वरखाना घोड़े का बच्चा सूर्य। अच्छा उसकी है ये हंसराज वरखाना, हंसराज वरखाना लाइन है ना। हाँ। उस घोड़े की मतलब बच्चा सूर्य। अच्छा उसकी है ये। ठीक है। हाँ जी तो ये काली अबलक है। हाँ जी खुली अबलक है ना। खुली अबलक। हाँ ठीक है। और कितने साल की घोड़ी है ये? ये 6 साल की घोड़ी। 6 साल की घोड़ी। कितने रिजल्ट आ गए इसके? इसके एक बच्ची दी है पहले से। आपके पास कितने टाइम से है? अभी तो मेरे पास थोड़ा टाइम ही हुआ लेके। आपने कोई रिजल्ट नहीं लिया पहले? आगे कहीं पे थे बच्चे? हाँ पहले बच्चे। ठीक है तो अभी आप ये सेल के लिए लेके आए हो? हाँ। और अभी ये खाली है के? नहीं नहीं प्रेग्नेंट है। किससे? ये ना प्रभात का भाई है ना काना, उसका बच्चा आगे। टेंशन उससे भी। टेंशन? हाँ टेंशन। टेंशन। हाँ बढ़िया बढ़िया नाम रख रहे हो यार सब। उससे सोबर है? कितने महीने की सोबर है ये? अपने 2 महीने से ऊपर हो गया। 28 तारीख को 2 महीने हुए थे ये। 2 महीने कंफर्म चेक पास है। हाँ। और क्या आस्किंग प्राइस है इसकी? इसका 15 लाख। 15 लाख रुपए ऐसा क्योंकि लाइन एज की है। हाँ जी ओके। लेकिन ऐसा क्या खास है कि वो घोड़ी आपने 6 लाख बताई, और ऐसा क्या खास है? थोड़ा बहुत हाइट का फर्क है उसमें। हाइट कम है इसमें। हाइट वगैरह क्या हाइट है इसकी? इसकी 62 प्लस है। 62 प्लस है। नहीं जो जो आपकी मतलब जेन्युइन रेट हो वो बताइए, ताकि इसके घोड़ियां थोड़ा सा आपस में करते हुए। तो इसका मतलब अगर लेने देने वाली रेट हो तो क्या रेट तक सेट हो सकती है? थोड़ा बहुत सेट करेंगे, नहीं तो वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, नहीं तो अपने घर पे भी खड़ी रहेगी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो 15 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है। खैर घोड़ी मैंने आपको दिखाई, घोड़ी में कोई कमी नहीं है। इसके भी कान कनौती बहुत ही सुंदर कान है गाइस। ये जो कान मैं बार बार कहता हूँ, ये जो कान है ना, ये मुझे सबसे मुझे ज्यादा पसंद है मारवाड़ीज में। ये जो तलवार कट वाले जो कान होते हैं, बाकी आजकल कुंडी वाले कान भी कई लोगों को पसंद है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अच्छी घोड़ी है। और 15 लाख इसकी आस्किंग प्राइस है। और किस घोड़े से कवर है ये? ये काना का बच्चा टेंशन। टेंशन प्रभात लाइन का ही हो गया। प्रभात लाइन, देवली लाइन का हो गया। देवली लाइन का घोड़ा हो गया। ठीक है। और ये नेक्स्ट घोड़ी? ये अपने अननोन लाइन है। अननोन लाइन की है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेजेंट कर सकती है घोड़ी, क्योंकि अपना इसको कंफर्म नहीं है, इसलिए अननोन ही कहते हैं इसको। अच्छा ये कहां से ली आपने? ये अपने दोस्ती उनसे ली थी, गंगानगर एरिया से। ओके तो ये कितने साल की घोड़ी है? ये तो 10 साल की है। 10 साल की घोड़ी है। हाँ। तो काफी बच्चे लिए होंगे इससे। हाँ मान लो पहले बच्चे दिए इसने। आपके पास कब से है ये? इसको मेरे पास हो गए 3-4 महीने हुए इसको लिए। अच्छा 3-4 महीने हुए। ये भी खुली अबलक है? ये भी खुली अबलक। अच्छा
लेकिन इसने मतलब अच्छे रिजल्ट दिए होंगे आगे। अभी ये खाली है कि ये नहीं, ये भी शुभ्र है। किससे? ये दिलबाग का बच्चा है, दिलराज। अच्छा, दिलबाग रनिया वाला ना। हाँ हाँ, उसका बच्चा दिलराज। अच्छा, उससे प्रेग्नेंट है। उससे प्रेग्नेंट कितने महीने की ये होगी? मान लो इससे कि ना, ये 2.5 महीने की हुई। 2.5 महीने की। कितने, क्या हाइट है इस घोड़ी की? इसकी 61+ है। 61+ हाइट है। राइडिंग में चालू है ये घोड़ी? हाँ, ये चालू है। और ये बाकी जो घोड़ियां हैं ये भी चालू है, मान लो उनके ऊपर बैठे नहीं है वो, उनके ऊपर शुरू नहीं किया अभी राइडिंग। ठीक है, अच्छी राइड देती। कौन सी चाल चलती है या ये मतलब नॉर्मल? छोटी चाल चलती है। छोटी चाल चलती है, ठीक है। इसको भी देने का विचार है? हाँ, मान लो रेट में पैसे भी अच्छे होंगे तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। क्या क्या प्राइस इसका भी? 15 लाख। मतलब यार ब्रो, अननोन लाइन की घोड़ी का 15 लाख? हाँ। तो फिर लाइन वाली क्या 15 करोड़ में? नहीं नहीं, तो फिर सही है भाई जो है। तो ये हमारे भाई साहब कुछ ज्यादा ही मतलब महंगे बेच रहे, लोग मेरे को पकड़ेंगे। तो मतलब 15 लाख क्यों मांग रहे हो इसका, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। मतलब थोड़ा ना ये मतलब क्वालिटी में ज्यादा अच्छी है। क्वालिटी में एज इन क्या क्वालिटी? मान लो है इसके नेक और कान, मान लो जो है शरीर में, मान लो। लेकिन 15 लाख, आप मुझे बताओ, आप खुद भी घोड़ा परचेस करते हो, अगर 15 लाख अगर मुझे स्पेंड करना है तो मैं किसी लाइनेज का लूंगा ना फिर? हाँ, अननोन क्यों लूंगा? नहीं, मान लो है अपने कंफर्म नहीं, पर है कोई अच्छे घोड़े की ये, बट कंफर्म नहीं है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, बट अगेन आपकी चीज है, आपका आपका अपना वर्डिक्ट है। घोड़ी अच्छी है, अच्छी घोड़ी है, तेज है घोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, गर्म है, थोड़ी सी गर्म घोड़ी है। हाँ। लेकिन 10 साल की ये सुंदर बच्ची, इसने आगे भी अच्छे ठान दिए, अच्छी कट पॉइंट की घोड़ी है ना। और हमारे भाई साहब, ठीक है, अगर किसी को अगर आपसे संपर्क करना तो आप अपना नंबर बताइए। 8209812608। एक बार फिर से बताइए। 8209812608। ठीक है, और स्टड फार्म का नाम क्या है आपके? वांदर स्टड फार्म। वांदर स्टड फार्म, ठीक है। तो जिनकी को भी बहुत ही अच्छी अलग घोड़ियाँ और ब्लैक घोड़ी भी है इनके पास में, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी घोड़ी परचेस करना तो एक बार आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। खुद आइए, खुद देखिए और सोच समझ के घोड़ा या घोड़ी खरीदिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वेलकम, और जुड़े रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।